वेलकम टू टेकबॉन्ड आईटी सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम वीडियो लेकर आए हैं मल्टीपास के लिए। और नॉर्मली अक्सर जो लोग लिनक्स यूज़ करते हैं, जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं या मतलब लिनक्स के ऊपर काम करते हैं, तो अक्सर उनको सर्वर सेटअप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डाउनलोड करते हैं यूबंटू के लेटेस्ट, और भी बहुत तरीके की कभी वीएमवेयर पर सेट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं समझता हूँ कि इस ट्यूटोरियल को देखने वाले यूबंटू के बारे में और सर्वर के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मल्टीपास के लिए कि जब भी आप गूगल सर्च करते हैं यूबंटू सर्वर डाउनलोड के लिए, और डाउनलोड लिंक जब आप यूबंटू पर हम जाते हैं तो वहाँ डाउनलोड्स में आपको मल्टीपास मिलता है। ये भी वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसको आज हम समझेंगे कि मल्टीपास क्या है और ये हमारे लिए किस तरीके से काम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यूबंटू सर्वर की इसी वेबसाइट के ऊपर हूँ, जो सर्च के बाद सबसे पहला सेटअप मैंने क्लिक किया है। और यहाँ पर मुझे जो है सबसे डाउनलोड के अंदर मुझे इमेजेस के अलावा जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, देखिए गेट मल्टीपास। तो मेरे सिस्टम में मैंने बिल्कुल भी सिस्टम में मल्टीपास इंस्टॉल नहीं किया है, और मैं यहाँ पर आपके सामने मल्टीपास को इंस्टॉल करूँगा, उसको लॉन्च करूँगा। नॉर्मली मल्टीपास भी वर्चुअलाइजेशन एक एप्लीकेशन होती है जो तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोर्ट करती है, लाइक विंडोज़ एनवायरनमेंट, लिनक्स एनवायरनमेंट और जो है मैक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर मैं गेट मल्टीपास के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसकी मजीद इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर उसकी और भी डिटेल जो है कि आप यहाँ पे से उसकी स्टडी कर सकते हैं। मल्टीपास वर्चुअलाइजेशन के लिए, जैसे हमारा वीएमवेयर होता है, वर्चुअल बॉक्स होता है, और भी जो वर्चुअलाइजेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, तो उन्हीं की तरह एक प्लगइन कह सकते हैं या एक एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा इजी टू मैनेज है और क्विकली जो है इंस्टेंस को हमारे लिए रेडी करके देता है। तो इस यहाँ पर मैं विंडोज़ एनवायरनमेंट यूज़ करने वाला हूँ, और विंडोज़ के अंदर ही जो है इस मल्टीपास को मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो हम जल्दी जल्दी जो है कि इसको फिनिश करते हैं। मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका प्लगइन या इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहाँ लिनक्स के बारे में दिखा रहा है, लिनक्स पर आप डायरेक्ट इंस्टॉल करके कमांड से जो है, अगर यूबंटू लिनक्स की मशीन है तो उसके ऊपर आप मल्टीपास को वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप विंडोज़ के अंदर, जैसे अभी विंडोज़ के लिए यहाँ पर डाउनलोड के लिए आपको मिल जाएगा, ऐसे ही मैक के लिए मिल जाएगा। तो हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं, तो मैंने विंडोज़ को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं मल्टीपास डाउनलोड करूँगा। यहाँ जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसका नोट आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो है विंडोज़ 10 इंटरप्राइज और प्रोफेशनल एडिशन होना चाहिए। यहाँ पर आपका होम बेसिक और सिंगल लैंग्वेज एडिशन जो होते हैं वो नहीं चलेंगे, और उसका इंस्टॉलेशन आगे पूरी स्टेप्स इसकी दी हुई है। तो अब मैं जल्दी से, मेरा डाउनलोड हो रहा है और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए मेरा मल्टीपास जो है डाउनलोड हो चुका है, और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करता हूँ। सिंपली इंस्टॉलेशन इसके अंदर किया जाएगा, यहाँ पर कोई भी एडवांस इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मैं फिर सिंपली इसको नेक्स्ट करूँगा, एग्री करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें हाइपर वी सिलेक्ट करना है। नॉर्मली वर्चुअलाइजेशन के लिए हाइपर वी टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट में बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है, जैसे जेन इसमें होता है हमारे लिनक्स वगैरह में, इसी तरीके से हाइपर वी, तो मैं इस विंडो में अगर हम कर रहे हैं तो जो है कि यहाँ पर हाइपर वी सिलेक्ट होगा। बाकी यहाँ पर ओरेकल के लिए, वी एम बॉक्स के लिए ये दूसरा ऑप्शन है। तो फिलहाल आई विल गो विथ हाइपर वी। यहाँ पर आएगा तो हमें रिकमेंडेड जो है कि इसका जो पाथ है मल्टीपास के लिए, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इसकी डिटेल के लिए बारे में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको जो है कि बताएंगे। यहाँ पर इसका लोकेशन है, आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसने हमारी डिस्क स्पेस बता दी है, कितनी अवेलेबल है, कितनी इसको लगने वाली है, तो कितनी रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं, कुछ नहीं करना, आपको सीधे इंस्टॉल करना है। इसका सिंपल इंस्टॉलेशन है, और वेट कर लेते हैं, बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको पुश कर देता हूँ जब तक इंस्टॉलेशन होता है। देखिए यहाँ पर हमारा मल्टीपास इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो अब मैं इस वीडियो को सिस्टम को हमें रिस्टार्ट करना होगा, तो इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपास इंस्टॉलेशन हो चुका है, यहाँ मैंने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका एक आइकॉन भी आ चुका है, जो एक डॉट डॉट आपको दिख रहा है।
और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके मैं स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ, या फिर यहीं पर इसकी एप्लीकेशन भी आ जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपास। खैर, हमको इसको जो है कि इसके पूरे स्टेटस को हम टर्मिनल से हम इसको चेक करेंगे और मैनेज करेंगे, जैसे कि इसके अंदर जो है कि कमांड्स इन्होंने ट्यूटोरियल के हिसाब से दे रखी है। तो मैं देखता हूँ, देखिए नीचे इन्होंने कमांड्स दे रखी हैं, सारी कमांड जो डॉलर साइन दिया हुआ है, एक्चुअल में ये किसी लिनक्स प्रॉम्प्ट से रन होने वाले नहीं हैं, ये हमारे डॉस प्रॉम्प्ट से ही रन होने वाली कमांड्स हैं। जैसे मैं आता हूँ कमांड्स पे, जाता हूँ अपने सीएमडी, नॉर्मल सीएमडी पर जाता हूँ और मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर जब मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन लेता है और यहाँ पर ही कमांड्स रन होने वाली जो यहाँ पे, जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं बगैर जल्दी जल्दी हमारी आदत होती है देखने की, तो जब मैंने देखा था कि कमांड्स रन नहीं हो रही थी तो मैं सोचा था कि क्या हो रहा है। तो ओवरऑल हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीपास की ये कमांड, मल्टीपास लिस्ट चलाना चाहूँगा ताकि आपको बता सकूँ कि इसका ओवरऑल वर्किंग क्या है। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास अभी हमने कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं करी है मल्टीपास प्लगइन के अंदर, मींस कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं की है। तो यहाँ पर अगर कोई ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है या पहले से मौजूद है तो हम इस कमांड के थ्रू, मल्टीपास लिस्ट के थ्रू उसको देख सकते हैं। तो मैंने इसको एंटर किया है और यहाँ पर देखिए कमांड रन हो रही है, कोई इंस्टेंस फाउंड नहीं हुआ है। अब मुझे कोई नई इंस्टेंस बनाना है, तो इस इंस्टेंस बनाने के लिए मैं यहाँ पर, इन्होंने कमांड दी है मल्टीपास लॉन्च, तो यहाँ पर उसका नाम भी मैं दे सकता हूँ चाहूँ तो। अगर मैं मल्टीपास लॉन्च करता हूँ और सिर्फ यही कमांड भी अगर मैं चलाता हूँ तो कमांड चल जाएगी और मेरा इंस्टेंस भी क्रिएट होगा, लेकिन वो अपने आप ही कोई जो है इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर देगा, अपने नाम से अपने हिसाब से एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, हम जो है कि एक नाम देंगे इंस्टेंस को। इसने फू दिया है, मैं अपना नाम दे देता हूँ अफजल और मैंने इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और जो कि थोड़ा टाइम लेगी, इसके अंदर हमें एडिशनली कुछ भी नहीं करना है, बस हमें इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं करना है। जब तक कि कमांड कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो जाती तब तक कि हम इस पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ, जैसे ये इंस्टेंस कम्प्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम इसको वापस शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कमांड शुरू हो चुकी है, क्रिएटिंग अफजल नाम से इंस्टेंस क्रिएट हो रही है। तो मैं इस वीडियो को तब तक के लिए पुश करता हूँ। देखिए मेरी जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुकी है, स्टार्टिंग पे थी, स्टार्टिंग भी हो गया है और अब अंडर इनिशियलाइजेशन है। तो ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है, फिर हम इसके ऊपर अपनी कमांड रन करेंगे। यहाँ पर हम इसका वर्ज़न देखने वाले हैं सबसे पहले कमांड में, लॉन्च करने के बाद में, कि ये कौन सा जो है कि रिलीज़ यूबंटू का इस इंस्टेंस के अंदर हमें देने वाला है। और इसके अंदर ख़ास बात, जब तक मैं आपको बता दूं कि देखिए लॉन्चिंग हो रही है, इंस्टेंस हमारी इंस्टेंस लॉन्च हो चुकी है, लॉन्च्ड हो गई है। तो यहाँ पर ये जो इंस्टेंस मेरी लॉन्च हुई है, मैंने जो सबसे पहली कमांड जो चलाई थी इंस्टेंस लिस्ट, उसको जब अगर मैं वापस यहाँ पर चलाता हूँ तो देखिए मुझे रनिंग इंस्टेंस मेरी यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पर आ गई है, इसका नाम आ गया है, इसका स्टेटस रनिंग है, उसको जो आईपी मिला हुआ है नेट के थ्रू वो जो है कि ये आईपी है, और उसका वर्ज़न भी यहाँ पर जो है, इसका जो इमेज का जो वर्ज़न है यूबंटू 2.4 में यहाँ पर दिया हुआ है। यहीं पर मैं अगर इसका रिलीज़ वर्ज़न को देखता हूँ तो ये जो मल्टीपास exec जो कमांड है, इसकी खासियत ये है कि ये जो उबंटू सर्वर के अंदर होने वाली कमांड्स जो हैं, मतलब ये जो इंस्टेंस उबंटू वाली है इसके अंदर, ये अभी यहाँ पर तो ls या जो है कि कमांड्स रन नहीं होंगे जो उबंटू में चलती हैं, लेकिन अगर जो उबंटू में कमांड चल रही है उनका आउटपुट अगर हम यहाँ पर विंडो के प्रॉन्ट में देखना चाहें तो उसके लिए इस कमांड का स्पेशली यूज़ होता है, जिसका नाम है जो है कि मल्टीपास exec। और यहाँ पर हमें इंस्टेंस का नाम देना होता है, जैसा मेरा इंस्टेंस का नाम अफजल है, और वहाँ पर जो है कि इसका रिलीज़ जो उसका वर्ज़न है वो देखने के लिए कमांड यूज़ होती है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, इसमें थोड़ी गलती हो गई है मुझसे, मैं इसको थोड़ा सा माइनस माइनस लेके करना है। तो देखिए मैंने इसको जैसे ही किया, कुछ कमांड रन हो रही है, उसका आउटपुट आ रहा, देखिए आउटपुट आ गया है और उसका पूरा, उसका रिलीज़ वर्ज़न और सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। इसी तरीके से कोई भी कमांड हो इससे रिलेटेड, अगर मैं यहाँ पर जो है कि dir या मैं कोई भी ls कमांड चलाता हूँ, या यहाँ पर मैं देख लेता हूँ cat /etc/hostus, ये मैंने कमांड चलाई है, तो hostus फाइल्स का आउटपुट देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आईपी वर्जन 6 की इन्फॉर्मेशन और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी फाइल मुझे नज़र आ रही है। तो आपको इस कमांड के बारे में पता चल गया कि ये कमांड क्या करती है। यहाँ पर हमने इस कमांड के बारे में देख लिया, यहीं से हम इसको स्टॉप और स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर सर मुझे मल्टीपास स्टॉप
जो है जिसमें दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। और यहाँ पे मैंने देखिए डाला मैंने मल्टीपास स्टॉप, और जो है इसका यहाँ पर मैं इंस्टेंस का नाम डाल दूँगा। और देखिए यहाँ पर स्टॉपिंग हो रही है मेरी इंस्टेंस। और यहीं से मैं वापस इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं एक बार स्टेटस दिखा देता हूँ आपको इसका। यहाँ पर बहुत आसान है, लिस्ट करके फिर देख लेते हैं इसका स्टेटस। यहाँ पर भी दिखता है, देखिए स्टॉप बता रहा है। यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से। और काफ़ी टाइम ले रही है, मेरा सर शायद सिस्टम स्लो है इस वजह से इतना टाइम लेती ले रही है। वैसे ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ज़्यादा इजी जो है कि प्लगइन है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ अब होने लगा है। यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है इंस्टेंस, इंस्टेंस लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ आ गया रनिंग स्टेटस, और नेक्स्ट कमांड यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड को सिर्फ सिंपली यहाँ पर डिलीट लेना, इंस्टेंस का नाम लेना, फिलहाल हमें डिलीट नहीं करना है। और यहाँ पर हम इसको पर जो दूसरी एप्लीकेशन है इसमें और इससे रिलेटेड सारी कमांड है, इसमें भी एक लास्ट कमांड मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीपास हेल्प, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली कमांड है। मल्टीपास हेल्प से आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चलने वाली कमांड्स हैं यहाँ पर उनके बारे में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसका यहीं से इसका टर्मिनल लॉगिन करने के लिए जो है आपको मैं कमांड बताता हूँ। तो यहाँ पर एक कमांड देखेंगे आप, यहाँ पर एक शेल कमांड है, जैसे कि शेल 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 शेल, ये है मल्टीपास शेल। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ मल्टीपास, और मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहीं लिखता हूँ मल्टी पास SHELL। ये कमांड जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मल्टीपास शेल मिल जाएगा, यानी जो यूबंटू के अंदर हमें जो टर्मिनल का जो हम एक्सेस कहते हैं, तो हमारा टर्मिनल जो है। और गलती से मैंने गलत कमांड चला दी है, मुझे इसको क्लियर करना होगा, और मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। एक्चुअल में यहाँ पर मुझे मल्टीपास शेल और इंस्टेंस का नाम लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं मैंने कमांड चलाई क्लियर, और यहाँ पर मेरा 1 2 आ चुका है। यहाँ पर मैं अपनी होम डायरेक्टरी देख सकता हूँ, यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, मतलब मैं अपने एक टर्मिनल विंडोज़ के टर्मिनल के थ्रू जो है उसके अंदर थ्रू उस लिनक्स के इंस्टेंस के टर्मिनल के अंदर जा चुका हूँ। अब इसमें से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशंस और जो है कि हम वीडियोस बनाएंगे कि इसके अंदर किस तरीके से हमारी बेस मशीन से इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होगा, और भी जो है इससे रिलेटेड कमांड हम जो है कि बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, शेयर करें जिन्हें जो सर्च कर रहे हैं मल्टीपास के बारे में, और हम जल्द ही आपके लिए एक नई वीडियो मल्टीपास से रिलेटेड और भी दूसरे ऑप्शन सब्जेक्ट्स पर बनाते रहेंगे। तो अभी के लिए अलविदा।